हेलो एवरीवन, बागड़ोआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सुतगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज शुरू करते हैं साधारण ब्याज पार्ट नंबर 4। आज जो साधारण ब्याज का हमारा लास्ट वीडियो है, इसके साथ ही साधारण ब्याज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी लिंक, वहां से आप चारों वीडियो देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखी। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई भी बुक आपके पास है प्रैक्टिस के लिए, तो आप साधारण ब्याज टॉपिक निकाल कर उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। बहुत ही आसानी से आप उस सभी कॉन्सेप्ट के साथ बिना सूत्र के आप हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे। कोई राशि समान समय व समान दर पर उधार दी जाती है यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तो साधारण ब्याज की दर क्या हो। तो डियर वन, ध्यान रखें कि जब भी ये कॉन्सेप्ट आए कि जहां पर दर और समय दोनों समान हो तो हम दर किस तरह से ज्ञात करते हैं, कंडीशन क्या है, नोट करके आप डाउन लिख भी सकते हैं कि जब समान समय व समान दर हो, समान समय व समान दर हो तो हम दर किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो दर ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो भी दाता दे रखा है, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, तो उसको हमें क्या करना है, रूट में रखना है। रूट 4/9 जो ये दाता हमें दे रखा है, गुणा में क्या कर देंगे, 100। ठीक है, इसको जब आप हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 400/9, क्योंकि 100 का 4 से गुणा हो जाए। 400 का रूट होता है हमारे पास 20 और 9 का होता है 3। इसमें जब आप भाग लगाओगे तो हमारा आंसर आएगा 6.2/3%। ये हमारी क्या जाएगी, दर आ जाएगी। प्रैक्टिस के लिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखें कि अगर दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर है तो कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 9/25 होगा। तो यहां पर भी दर और समय संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो दर किस तरह से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले रूट लगाने आपको 9/25 गुणा में क्या करेंगे 100, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 900/25। अब 900 का रूट आपको पता है कितना होता है 30 और 25 का होता है 5, हल करेंगे तो कितना आएगा 6, तो दर कितनी आ जाएगी हमारी 6% दर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है यदि साधारण ब्याज की दर से 3% अधिक है तो 105 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो मूल राशि क्या हो। हमें क्या किया गया है कि कोई राशि दे रखी है, अगर उसकी दर को 3% इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो 105 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं और हमें बताना है कि मूल राशि क्या होगी। 5 वर्ष हमें टाइम पीरियड दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दर को उठाते हैं। सॉल्यूशन में देखें, दर है 3/100। यस, दर कितनी है 3/100। अब मैंने क्या बोला था पहले भी, आप पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो में देखेंगे तो ये हमारा क्या होता था मूलधन और ऊपर वाले हमारा क्या होता था ब्याज, लेकिन ये ब्याज 1 साल का है और हमें कितने साल दे रखे हैं 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15/100। बात आई क्या समझ में, अगर ब्याज 1 साल का है तो 3, 5 का है तो कितना हो जाएगा 15, ये हमारा क्या है ब्याज और ये हमारे क्या है मूल्य। अब देखो स्टेटमेंट को पढ़ो, दर 3% अधिक है तो 105 रुपए अधिक मिलते हैं। अगर 5 साल में दर ब्याज की देखें, क्योंकि दर ब्याज को शो करती है, तो ब्याज कितना है यहाँ 15 और यहां कितना प्राप्त हो रहा है 105। इसका मतलब ये कि 15 जो यूनिट है, 15 यूनिट 105 रुपए के बराबर है। 15 यूनिट किसके बराबर है, 105 यूनिट के, क्योंकि स्टेटमेंट में जो बोल रखा है वैसे मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान 105/15, 15 × 7 = 105, 1 यूनिट कितने की है 7 की। हमें क्या पूछा जा रहा है कि वो राशि क्या है, राशि का मतलब क्या, मूल राशि, ओरिजिनल राशि, मूलधन, और मूलधन यहां कितना है 100। अगर 1 यूनिट 7 रुपए की है तो
तो 100 यूनिट कितने की हो जाएगी? 700 रुपए की। अरे भैया 100 यूनिट कितने की होगी? 700 रुपए की। नेक्स्ट देखें, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपए 1488 रुपए हो जाते हैं। 4 वर्ष के अंदर 1200 रुपए 1488 रुपए हो जाते हैं। तो साधारण ब्याज की दर से 3% दर को बढ़ा दिया जाए तो राशि कितनी हो जाएगी? कि भैया पहले 1200 थी, वो 1488 तो हो गई, अब अगर दर को और बढ़ाएं तो राशि तो और बढ़ेगी ना। पहले जो आपने पैसे लिए 1200, वो 1488 हो गए, अब अगर ब्याज की दर उसने और बढ़ा दी तो आपको पैसे 1488 से ज्यादा देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे वो इसने पूछा है। तो सबसे पहले दर को उठाएं, 3/100, 3% है 3/100, ये मूलधन है और ये ब्याज है। ब्याज कितने साल का है? 1 साल का। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना साल दे रखा है? 4। अगर 1 का 3 है तो 4 का कितना हो जाएगा? 12। ये हमारा हो गया ब्याज, ये हो गया हमारा मूलधन। यस या नो? मूलधन है। अब देखो, ओरिजिनल मूलधन 1200 था, उसके बाद 1488 बदला। यहां हमारा ओरिजिनल मूलधन 100 यूनिट है और यहां हमारा कितना है? 1200। तो देखें कि 100 यूनिट बराबर कितने है? 1200। 100 यूनिट 1200 रुपए के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा? एक यूनिट 1200 बटा में 100, एक यूनिट 12 रुपए के बराबर। एक यूनिट का मान कितना? 12 रुपए। अब हमारे पास ब्याज है कितना? अरे भैया ब्याज कितना है? 12 यूनिट है। एक यूनिट कितने की है? 12 की है। तो 12 यूनिट कितने की हो जाएगी? अरे एक यूनिट 12 की है तो 12 यूनिट कितने की हुई? 144 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो हम 1200 रुपए के 1488 रुपए दे रहे थे, अब दर 3% बढ़ने की वजह से हमें 144 रुपए और देने पड़ेंगे। तो हम पहले कितने दे रहे थे? 1488 रुपए तो दे रहे थे, अब हमें दर बढ़ने की वजह से 144 रुपए और देने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 8 4 12, 8 4 12 और 1 13 और 4 1 5, 1532 रुपए हमें देने पड़ेंगे। टोटल कितनी राशि देनी पड़ेगी? 1532। नेक्स्ट देखें स्क्रीन पे। हेलो डियर वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 7600 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% 4 वर्ष के लिए तथा 7% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज की दर समान हो तो पहली शर्त पर कितनी राशि प्राप्त होगी? अब हमें ये पूछ रखा है साधारण ब्याज। अरे भैया घर में भी हम हिसाब करते हैं, आपको पैसे दे दिए जाए और 2 भागों में आपको बोला जाए कि इसको विभाजित कीजिए, और कोई ना कोई आपको टारगेट देगा कि छोटे बेटे को ज्यादा मिलेगा, बड़े को ज्यादा मिलेगा, या आपको सेम दे। तो यहां इसने बोला है कि 7600 रुपए 2 भागों में बांट दे, पहले और दूसरे, और कंडीशन क्या है कि दोनों पर साधारण ब्याज बराबर। क्या बोला ना? साधारण ब्याज की दर समान है। अब देखो ब्याज, साधारण ब्याज का मतलब अगर आप समय को दर से गुणा करेंगे साधारण ब्याज आएगा, दर को समय से गुणा करेंगे साधारण ब्याज आएगा। तो यहां हमें क्या बोलना है, पहली कंडीशन है यहां पर साधारण ब्याज दर कितना है? 6, और टाइम कितना है? 4। तो ये हो जाएगा 6 × 4, ये साधारण ब्याज है बराबर। इस भाग को हम ए पॉइंट मान लेते हैं, ए का मतलब प्रथम भाग। दूसरा देखो दर कितनी है? 7, और टाइम कितना है? 2। तो 7 × 2, और इस भाग को हम बी पार्ट मान लेते हैं, द्वितीय। तो अब देखें, अब जैसे ही आप देखोगे तो ये हमारा 24 ए पार्ट हो जाएगा और ये 14 बी पार्ट हो जाएगा। यस, अब हमें क्या करना है, जब भी 2 भागों में बांटना हो तो हमें अनुपात पता होना चाहिए, रेशो पता होना चाहिए दोनों का। तो इसका हम क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। इस बी को इधर लेके आएंगे, ए बटा बी 14/24, 2 से जैसे आप काटोगे 7/12। अब आगे कटना वाले नहीं है तो ये हो जाएगा 7/12। इसका मतलब ए जो है वो तो 7 है और बी कितना है? 12। यस, ए का रेशो 7 है, बी का रेशो 12 है। तो अब हमें क्या करना है, पहले वाली शर्त को फॉलो करना है। पहले वाली शर्त पर रेशो कितना है भैया? कितना है? 7/12। अब क्या करते हैं, जब भी हमें डिवाइडेशन करना, पहले वाला रेशो लेना है,
अगर दूसरे वाले का बोल रहे हैं तो दूसरे वाला ले रहे हैं, उसके बाद दोनों का टोटल देख रहे हैं, 7 और 12 कितने होते हैं 19, गुणा में पैसे है कितने 7600, 19 चौके 76 4 का 7 से गुणा करेंगे 28, तो पहले वाले भाग को 7600 में से कितने पैसे मिलने वाले हैं 2800। बात आई क्या समझ में? इस तरह से आपको किसी भी पैसे का डिवाइडेशन कर सकते हैं, कंडीशन आपको फॉलो करनी है कि कंडीशन क्या दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस प्रकार के भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। साधारण जैसे मान लो 2% 3% दर दे रखी है तो हम आसानी से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कई बार दर क्या आती है सही बटा में आ जाती है, जैसे 16 से 2/3 या फिर 2 से 1/2 आ सकती है, या फिर 14 से 2/3 दरें आ सकती है, 33 से 1/3 दर आ सकती है। तो इसको किस तरह से सोल्यूशन किया जाता है वो भी देखें। यहां देखें, सबसे पहले हमारे पास दर कितनी है, हमारे पास दर है 16 से 2/3%। इसको जब सोल्यूशन करते हैं तो ये बनता है 1/6। बात आई क्या समझ में? इसका हल कितना होगा 1/6। कैसे होगा देखें, 16 + 3 = 48, 48 + 2 कितने हो गए 50, तो ये बना हमारा 50/3%। बात आई क्या समझ में? प्रतिशत हटाएंगे तो ये 50/3 और 100 बटा में लगेगा तो ये 3 का 100 से गुणा 300, इसको काटो 0 से 0, 5 एकम 5, 5 6 30, तो 1/6 यहां से है। बात आई क्या समझ में? इसको क्या लिखते हैं हम 1/6, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो कितने साल की बात कर रहा है, 3, मैंने पहले भी बोला है ये ब्याज होता है, ऊपर वाला ब्याज, नीचे वाला मूलधन होता है। अरे भैया ये जो ब्याज है कितने साल का है, 1 साल का, हमें कितने साल चाहिए 3, तो ये कितना हो जाएगा 3/6। ये क्या है, ये है ब्याज, ये क्या है ब्याज, और ये क्या है मूलधन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में मूलधन कितना है 3000, यहां मूलधन कितना है 6 यूनिट, तो ये हो जाएगा 6 यूनिट बराबर कितना 3000 रुपए। 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 3000/6, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 500। यस जानो कितना आएगा 500। अब हमें साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज कितना हमारा, साधारण ब्याज कितना 3, 1 यूनिट का मान कितना 500, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा 1500, 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1500, साधारण ब्याज कितना आया 15। तो ये थे आज के जो हमारा सेशन बचा हुआ था, पार्ट नंबर 4 साधारण ब्याज। इसके साथ ही हमारे साधारण ब्याज का जो सेशन है कंप्लीट हो जाता है, साधारण ब्याज जो कंप्लीट चैप्टर है वो हमारा आज कंप्लीट होता है। आप कोई भी बुक प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं, उसको आप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें, अपनी प्रिपरेशन में और ज्यादा बढ़ोतरी करें, ताकि जब भी आप एग्जाम में इन क्वेश्चनों का सामना करें तो बहुत ही 30 सेकंड में आप आंसर ला सकें। अगर फिर भी कोई आपको डाउट आती है प्रैक्टिस करते समय तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन टाइप करें, आपको सोल्यूशन बहुत ही कम टाइम में मिलेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।